मैंने आपको सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर का ये यहाँ तक बताया कि जब स्टोरी मतलब ये है कि नौकरानी के लड़की को जब वो घोल मिक्सचर जो बना करके पिला देता है कीड़े मकोड़ों का, तो वो जो है बीमार हो जाती है। उसकी माता जी उसे ऐसा ना करने के लिए मना करती हैं कि दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। अब उसी के आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वह अपने माता जी के साथ पोल्ट्री फार्म गए। पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है। देयर ही सॉ अ हेन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन द एग्स, वो जो थी मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड ही आंसर्ड, उसने अपने माता जी से इसके बारे में पूछा और उन्होंने उत्तर दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, हैचिंग में होता पालना, सेना जाता ना सेल है, वो अपने लड़के को काम आएगा कभी भविष्य में। तो इसी तरह जो मुर्गी थी वह अपने अंडों को से रही, मतलब मुर्गी अपने अंडों को से रही है, उन्होंने उत्तर दिया। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय बाद जो उसमें चूजे निकल आए बाहर, अंडों से चूजे बाहर निकल आए। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह वह एक दर्जन अंडे ले आए। एंड सेट ऑन देम, उसके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप, वह उठे आफ्टर सम टाइम, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उस समय बाद वह उठे लेकिन एक भी चूजा उसमें से नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने केवल अंडों को फोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, यहाँ शर्ट्स होगा, शर्ट की क्या बात हो रही है, शर्ट मतलब और वो अपने चड्ढे को ख़राब कर डाले। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्राम द मदर दैट डे, और फिर उस दिन अपनी माता जी से अच्छी धुलाई करवा लिए, कायदा सिंह की धुलाई हो गई। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन बनता बहुत पूछता है कि जब वह मुर्गी के अंडों के ऊपर बैठे थे तो क्या हुआ, तो उसका आंसर होगा ही, क्या हो जाएगा, ही स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट्स, मतलब अंडों को फोड़ डाले और अपने चड्ढे को ख़राब कर दें। अ रियली फनी बॉय वाजंट ही, मतलब एक वास्तविक जो मजाकिया लड़का है क्या वही है, वही थे। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी अनुप्रयोगों में क्या हो गए, असफल हुए। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनमें से कुछ कुछ सीखे। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उन्होंने जाना कि जो उनके विचार हैं गलत थे, उनके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वह किताबों के शौकीन थे और ढेर सारे पढ़ना उन्हें पसंद था, ढेर सारी किताबों को पढ़ना पसंद था। हिज फादर गेव हिम 25, ये भी बहुत आता है, हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिताजी ने मतलब उनके पिताजी ने उन्हें एक किताब, हर किताब पढ़ने के 25 सेंट देते थे। वहाँ की मुद्रा है अमेरिका की, जैसे यहाँ की पैसा वहाँ के सेंट, और बड़ा होता है डॉलर, ठीक है। तो आगे है, ही रीड वाइडली विद द पैकेट पॉकेट मनी ही गॉट, वह जो पॉकेट मनी पाते थे जेब का खर्चा, हाँ वह जो है उसमें क्या किए, ही बॉट मोर बुक्स, तो और किताबें खरीद लिए। एंड स्टेप सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी क्या कर लिए, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला बना लिए। हिज मदर इनकरेज्ड हिम,
उनकी माता जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया एंड हेल्प्ड हिम इन द इन हिज एक्सपेरिमेंट्स और उनके प्रयोगों में उनकी मदद की। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने मतलब पाया कि उन्हें और धन की ज़रूरत है, किस लिए? अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और वह चाहते थे और अधिक पुस्तकें, जिससे कि एज मीन्स क्या हो गया, जिससे कि वह सभी किताबों को पढ़ सकें और उन्हें घर में रख सकें। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल। वह बाहर जाना चाहते थे और नए मतलब बाहर किस लिए जाना चाहते थे, नई जगहों को देखने के लिए और नए लोगों से मिलने के लिए। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। वह नई किताबों को पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान में सुधार लाना चाहते थे। इम्प्रूव मीन्स क्या होता है, सुधारना है, सुधार लाना। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। तो इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने के लिए निर्णय लिया। एट फर्स्ट पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। उनके माता पिता इस विचार को पसंद नहीं किए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। जब वह उस समय कितने साल के थे, 12 साल के थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन फिर वे सहमत हो गए जब उन्होंने अपने माता पिता को इस मतलब जो निर्णय लिए अच्छे निर्णय का अच्छा कारण बताया। तो सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। इस तरह इसलिए जो एडिसन थे एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए, मतलब जो समाचार पत्र को बेचते थे उस तरह के जो है लड़के बन गए। एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट। और जो है वे मतलब एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में आने जाने लगे, किस लिए? बेचने के लिए। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और जिससे कि पहले ही दिन में उन्होंने $2 रुपए कमा लिए। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। उन्होंने अपनी माता जी को उस रात सपर मीन्स भोजन के रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। टेक दिस डॉलर मदर एवरी नाइट आई सेल गिव यू अ डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न। माता जी इस डॉलर को ले लीजिए, हर रात को $1 मैं आपको दूंगा जो मैं कमाऊंगा। एंड ही किप्ट हिज प्रॉमिस ऑफ यू, अपने वादा निभाते रहे। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद।